हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र है, इससे हम इस सवाल को लगाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु 2.3 और 4.1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अपने को पता है कि एक फार्मूला अपने को पता है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे हम। अपने को एक फार्मूला पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है जो 2.3 है और कोई बिंदु बी है जो 4.1 है। जैसे मान लीजिए आपका एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। ये ए बिंदु ए है, ये बी है, और ए अपने को पता है कि ये 2.3 है और बी अपने को पता है कि 4.1 है, 4.1 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि ए बी अपने को सिंपली फाइंड करना है। तो ए बी का सूत्र होता है कि ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में यक्स टू माइनस यक्स वन होल स्क्वायर। आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड है इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको इसमें आपको बता देता हूँ कि ये जो पहला होता है वो x1 होता है और ये y1 होता है। ये इसमें का जो होता है, एक तो x2 होता है और एक y2 होता है। तो इस तरह से मैं इसको तुलना करके यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने वाला हूँ। चलिए पुट कर लेते हैं, हमको ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये क्वेश्चन दो नंबर में आ सकता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है और दो नंबर में भी आ सकता है, तो आप दोनों में से कोई भी है तो आप कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये एग्जाम के लिए, मैं दो नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यक्स टू मैं ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा यक्स टू है 4 और माइनस यक्स वन मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे 2 है और इसका होल स्क्वायर है, और प्लस का वाई टू ढूंढूंगा मैं यहाँ पे, वाई टू 1 है आपका, देख सकते हो वहाँ पे 1, और माइनस y1 ढूंढूंगा मैं 3 है इस तरह से, और इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। इस तरह से अपने को आंसर आने वाला है, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर भी है, और प्लस का 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। आपको पता है कि बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं और बड़ी वाली का चिन्ह लगा देते हैं, साइन बड़ी वाली का लगा देते हैं। यहाँ 3 बड़ा है इसलिए माइनस का निशान आया है। अब इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 होता है, और प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर करने से वजह से माइनस भी हट जाएगा और प्लस बन जाएगा और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा √8। ये आपका आंसर है अगर ये बहुविकल्पी में ना मिले, अगर विकल्पी क्वेश्चन हो, अगर ये आंसर ना मिले तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप 8 को ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, इस तरह से आपका ये दोनों जोड़ा बन गया, बाहर निकल जाएगा इन दोनों जोड़े में से 1 और ऐसे अंदर बच जाएगा 2। इस तरह से आपने आंसर निकाला। ये इसका ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ये दूरी कितनी है आपका 2√2। यहाँ पे आप इसकी यूनिट लिख देंगे, क्योंकि यूनिट नहीं दी इसलिए मात्रक लिख देंगे, जो कि सबके लिए यूनिट हो जाएगी। ये आंसर आपका, देखा कितना इजी क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी के तरीके से और भी एक एग्जांपल करेंगे बहुत अच्छे से। मैं सोच रहा हूँ समांतर माध्य वाले इसके बाद बता दूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे हमारा वो वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।